हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्लेटी हेलमेंथीज। और आज के हमारे इस टॉपिक में आप देख रहे हैं गाइज कि प्लेटी हेलमेंथीज एक थियरी लेक्चर के साथ साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 MCQs, टॉप मोस्ट MCQs लेकर के आए हैं गाइज। तो हमारे साथ थ्योरी और प्लस प्रैक्टिस सेट भी देखिए गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। शुरू करने से पहले गाइज, आप सभी लोग एक बार फटाफट के अंदाज में बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन को और इस थ्योरी लेक्चर को शेयर करिए और अधिक संख्या में लोगों को जोड़िए, फिर चलते हैं शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज आज के हम अपने सेशन में। आप जानते हैं कि हम बिल्कुल जो है पॉइंट टू द पॉइंट आप सबके लिए ले आते हैं, कोई टाइम वेस्टिंग का कार्य हमारे पास नहीं होता है आपके लिए। तो गाइज देखिए, बिल्कुल जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटी हेलमेंथीस। तो गाइज, प्लेटी हेलमेंथीस की अगर हम बात करें इस शब्द के बारे में, तो ये ग्रीक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द तो है प्लेटीस और एक है हेलमिन, ठीक है। प्लेटीस और हेलमिन्स, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, मतलब चपटा गाइज। फ्लैट का मतलब क्या होता है? चपटा। और हेलमिन्स का मतलब होता है वार्म, वार्म का मतलब होता है क्रीमी, ठीक है। चपटे क्रीमी इसमें शामिल हैं, ठीक है। इसे फ्लैट वर्म भी कहते हैं। और इसमें लगभग जो है गाइस, नंबर ऑफ स्पीसीज जो है इसमें शामिल है वो 13,000 है। कितनी स्पीसीज में शामिल की गई है? 13,000 स्पीसीज शामिल की गई है प्लेटी हेलमेंथीज में, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता ही दिया कि प्लेट का मतलब प्लेट, प्लेट चपटा गाइस, चपटा, ठीक है। प्लेटिस, प्लेटी हेलमेंथीस अर्थात चपटे क्रीमी। इसमें इंक्लूड फ्लैट वर्म गाइस, वही शब्द है यहां पर, ठीक है। फ्लैट वर्म इसका अर्थ होता है फ्लैट वर्म, चपटे क्रीमी, ठीक है। इसमें शामिल किए गए हैं चपटे क्रीमी। अब यहां पर अगली बात देखिए, अब यहां से स्टार्ट होता है गाइस कि प्लेटी हेलमेंथीज जो वर्ड है वो किसने दिया? गेगनबार ने। गेगनबार सजेस्टेड द नेम प्लेटी हेलमेंथीज। तो प्लेटी हेलमेंथीज नाम किसने? गेगनबार ने सजेस्ट किया और इन्हें दिया। अब अगली बात यहां देखिए, थोड़ा सा हेलमेंथियोलॉजी लिखा है गाइस, हेलमेंथियोलॉजी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि प्लेटी हेलमेंथीज के जो अध्ययन है उसको हेलमेंथियोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहां पर बात समझिए, स्टडी ऑफ वर्म, ठीक है, कृमियों का अध्ययन जो है, कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इन ह्यूमन, ठीक है गाइज। अब ये देखिए किसके कारण? पैरासिटिक, परजीवी संक्रमण, यानी मानव में परजीवी संक्रमण के कारण ही इनको क्या कहते हैं? हेलमिंथोलॉजी। यानी वार्म का जो अध्ययन है, वार्म का अध्ययन हेलमिंथोलॉजी कहलाता है। लेकिन किसके कारण कहलाता है? क्यों? किसमें ज्यादा ज्यादा आप पैरासिटिक हैं गाइस, पैरासिटिक, और ये संक्रमित करते हैं किसको? मानव को। जिस कारण से क्या कहते हैं इसके अध्ययन को? हेलमिंथोलॉजी कहते हैं। ये पॉइंट्स आप नोट करिए। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है उसको देखते हैं गाइज। मोस्टली ये पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं गाइज? मोस्टली पैरासाइट होते हैं, बोथ, दोनों प्रकार के पैरासाइट, एक तो इग्जो और इंडो, ठीक है। इग्जो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट, दोनों प्रकार के ये बिहेवियर शो करते हैं, दोनों प्रकार के ये होते हैं। लेकिन मोस्टली मैं आपको बताया, इसमें जितने भी हैं सब कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं गाइस? पैरासाइट होते हैं। अब चलिए देखते हैं अगली खास बात क्या है इसमें गाइस, कि सम फ्री लिविंग, कुछ कैसे होते हैं गाइस? फ्री लिविंग होते हैं और अथवा एक्वेटिक, एक्वेटिक होते हैं। और मोस्टली कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं गाइस। मोस्टली कैसे होते हैं? ये मैराइन होते हैं, ठीक है। अब मैराइन का मतलब मैं कई बार ये हर बार ये शब्द चला आता रहा है, ठीक है, लवणीय। बॉडी वॉल इसकी कैसी होती है गाइस? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसकी बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, इसको आप नोट करिए गाइस यहां से। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसकी बॉडी वॉल होती है सभी वर्म, वर्म की। बाइलेटरली, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ए सीलोमेट गाइज, ये भी पॉइंट्स है जो अंडरलाइन है, जो हाइलाइटेड है, यही तो क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी आप नोट करिएगा। बाइलेटरली सिमेट्रिकल और ए सीलोमेट होते हैं, सिमेट्रिकल यानी बाइलेटरली सिमेट्रिकल और ए सीलोमेट होते हैं, ये जबरदस्त पॉइंट है गाइज। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर और इसकी खास बात क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगली बात यह है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ टिश्यू ऑर्गन ग्रेड का होता है। इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है गाइज? टिश्यू ऑर्गन ग्रेड का होता है, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड का होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनस इज अब्सेंट, इसमें एनस अब्सेंट होता है लाइक सिलिंट्रेट, किसकी तरह? सिलिंट्रेट की तरह इसमें एनस अब्सेंट होता है। विद ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, मैंने बताया था कि जिनमें केवल, जिनके बॉडी में केवल एक पोर हो, एक छिद्र हो, उसे क्या बोलेंगे हम? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो इसमें भी गाइज देखने को मिलता है। बॉडी इसकी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड अथवा सेगमेंटेड होती है जी गाइस। इसमें बॉडी इसकी जो है अनसेगमेंटेड होती है अथवा सेगमेंटेड, खंड में भी हो सकती है और खंड विहीन भी हो सकती है, ठीक है।
जैसे अनसेगमेंटेड किसमें होती है गाइस, प्लैनेरिया और फैसियोला, फैसियोला हेपेटिका और प्लैनेरिया, ये जो है इसकी बॉडी कैसे होती है, अनसेगमेंटेड होती है, जबकि टीनिया जो है गाइस, टीनिया की बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, टीनिया की बॉडी सेगमेंटेड होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये इससे ही तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट आर क्लियर, इसमें जो है बिल्कुल क्लियर दिखता है, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर, अग्र और पश्च दोनों जो है अस्पष्ट भाग इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, दोनों अग्र और पश्च। अब यहां पर देखिए ये बात देखिए कि हेड बिगिंस, हेड बिगिंस, हेड की शुरुआत, सिर के बनने की शुरुआत यहीं से होती है, हेड बिगिंस फ्रॉम दिस फाइलम, यानी इसी फाइलम से हेड के बनने की शुरुआत हो जाती है गाइस, ठीक है। अब देखिए अगली बात, ए थिक क्यूटिकल, एक मोटी क्यूटिकल की परत होती है, मेड अप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन इज प्रेजेंट, इसमें एक क्यूटिकल की मोटी परत स्क्लेरोप्रोटीन उपस्थित होती है गाइस, जिसे क्या कहते हैं, कॉल्ड टेग्यूमेंट, जिसे क्या कहता है, टेग्यूमेंट कहा जाता है, ऑन आउटर सरफेस, किस सरफेस पर, बाहरी सरफेस पर, इनके बाहरी सरफेस पर एक मोटी क्यूटिकल की स्क्लेरोप्रोटीन की बनी परत होती है, ठीक है, विच इज ऑफ पैरासाइटिक एडाप्टेशन, जो इनके किसको प्रदर्शित करता है, पैरासाइटिक एडाप्टेशन को शो करता है, अर्थात परजीवी अनुकूलन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब अगली बात देखिए, इसमें लोकोमोशन की हम बात कर ले गाइस, किसके द्वारा, किसके थ्रू इसमें लोकोमोशन होता है, इसको देखिए लोकोमोशन, ठीक है, देखिए लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है गाइज, अब्सेंट होता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है इसमें गाइज, अब्सेंट होता है, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है उसको भी देखते हैं गाइज, बट लोकोमोटरी ऑर्गन तो इसमें नहीं है, लेकिन एडहेसिव ऑर्गन आर प्रेजेंट, इसमें एडहेसिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, लाइक जैसे सकर्स होते हैं, हुक्स होते हैं गाइस, इसमें सकर और हुक्स होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अब यहां देखिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर प्रोटोनेफ्रिडिया, इसमें उत्सर्जी अंग जो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया अथवा सोलेनोसाइट्स अथवा फ्लेम सेल्स होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम, इस फाइलम के मुख्य लक्षण हैं इनके, इनको आप जरूर नोट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब अगली बात ये कि मीजोडर्म, इसमें जो मीजोडर्म होता है वो पैरेनकाइमा अथवा मीजेनकाइमा होता है, यानी मीजोडर्म होता है, देखिए इक्टोडर्म और इंडोडर्म, यानी अंतर की परत, अंदर की परत और बाहर की परत, उसके बीच में कौन सी, मीजोडर्म, ठीक है, इक्टोडर्म बाहर की परत, इंडोडर्म अंदर की परत और बीच में कौन, मीजोडर्म, जो किसकी बनी होती है, पैरेनकाइमा अथवा मीजेनकाइमा होती है, ये उपस्थित होती है दोनों के बीच में, किसके बीच में, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में होती है गाइस। चलते हैं अगला पॉइंट्स क्या है उसको भी देखते हैं गाइस, अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, देखिए अगला पॉइंट क्या है इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर ये बाईसेक्सुअल होते हैं गाइस, अर्थात मोनोइसियस कह दीजिए अथवा हर्माफ्रोडाइट्स कह दीजिए, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं ये, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। स्केलेटन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर अब्सेंट, इसमें स्केलेटन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है गाइस, अब्सेंट होता है। एनिमल रिस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस, इसमें किसके द्वारा सांस लेते हैं, बॉडी सरफेस के द्वारा गाइस। और एक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन इन इंटरनल पैरासाइट लाइक टीनिया, जैसे टीनिया में गाइस हम आपको बता दें इंटरनल वो पैरासाइट होता है, आंतरिक परजीवी होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है इसमें, कैसा होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलता है गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया। फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, मुख्य रूप से आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट इज टिपिकली प्रोटोस्टोम टाइप, कैसा होता है, टिपिकली प्रोटोस्टोम टाइप का होता है, आगे चलेगा इसी से थोड़ा सा मुख जैसी संरचना बनने की शुरुआत हो जाती है गाइस, ठीक है, प्रोटोस्टोम टाइप होता है डेवलपमेंट इसमें टिपिकली। लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो लाइफ साइकिल कंप्लीटेड विथ मैनी लार्वल स्टेज, इसमें लाइफ साइकिल जो है बहुत सारे लार्वल स्टेज के द्वारा
कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है इसका जीवन चक्र। ठीक है, जैसे अब मैंने बताया था कि जो मिस आरसी मल्होत्रा वो यही आने वाला है गाइस। ठीक है, रेडिया सर्केरिया मेटा सर्केरिया सभी लार्वल फॉर्म। फाइलम, यहां देखिए फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज इज डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रेट ग्रुप्स, तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है प्लेटी हेलमेंथीज को। अब चलते हैं देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन गाइज, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले भी देखिए जो तीन ग्रुप हैं, एक तो फ्री लिविंग वाला ग्रुप है जिसे फ्लैट वर्म कहते हैं, चपटा क्रीमी फ्री लिविंग वाला, दूसरा पैरासाइटिक वाला जो से फ्लूक कहते हैं, पैरासिटिक फ्लूक होते हैं, एक पैरासिटिक टेप वर्म होते हैं, टेप वर्म। तो चलिए तीनों को देखते हैं इनमें गाइज, तीनों की हम बात करते हैं प्लेटी हेलमेंथीज में। तो थोड़ा सा इसको और कंपैक्ट कर ले तो समझ में आ जाएगा। देखिए एक इसका क्लासिफिकेशन तीन वर्गों में है, एक टर्बुलेरिया, टर्बुलेरिया है गाइस, दूसरा ट्रिमेटोडा है, तीसरा सिस्टोडा है। टर्बुलेरिया ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा ये तीन ग्रुप हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा गाइस। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा से ज़्यादा फंसेंगे। टर्बुलेरिया ये फ्री लिविंग एक्वाटिक होते हैं और ट्रिमेटोडा बोथ इग्जो एंड इग्जो इंडो पैरासाइट दोनों होते हैं। जो सिस्टोडा होते हैं ये कॉमनली टेप वर्म कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कॉमनली कॉल्ड टेप वर्म गाइस, कॉमनली कॉल्ड टेप वर्म कहे जाते हैं। ठीक है, और इसकी खास बात यहां पर देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट, सिस्टोडा में डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिस्टोडा में डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है, और यहां पर देखें ट्रिमेटोडा को कॉमनली कॉल्ड क्या कहा जाता है, फ्लूक कहा जाता है गाइस, फ्लूक कहा जाता है, इसको टेप वर्म कहा जाता है सिस्टोडा को, ट्रिमेटोडा को फ्लूक कहा जाता है। और ट्रेवल एरिया, इसमें की खास बात है कि इसमें सकर्स अब्सेंट होते हैं गाइस, सकर्स अब्सेंट, यही से क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन आप चार जरूर बात इसको ध्यान रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें इसमें तो इसकी जो खास बात है टर्बुलेरिया की, मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी पाई जाती है इसमें, मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी होती है। और क्या बात है इसमें कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, कैसा होता है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। इसका एग्जांपल जो है गाइस जिसमें प्लानेरिया और मीजोस्टोमा और डुजेसिया आता है, डुजेसिया प्लानेरिया मीजोस्टोमा और डुजेसिया इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या है, एग्जाम्पल है टर्बुलेरिया की, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा गाइस। ठीक है, डीएमपीटी, ठीक है, टी का मतलब टर्बुलेरिया, डुजेसिया मीजोस्टोमा और प्लेनेरिया इसके एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रिमेटोडा का एग्जाम्पल देखिएगा इस लीवर फ्लू, ट्रिमेटोडा का एग्जाम्पल लीवर फ्लूक जिसे आप कहते हैं फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका का नाम क्या है, लीवर फ्लूक है गाइस। और दूसरा है एक ब्लड फ्लूक, ये लीवर फ्लूक है, लीवर का फ्लूक और एक ब्लड का फ्लूक, ब्लड का फ्लूक किसे कहा जाता है, सिस्टेमा मानसूनी, ठीक है, सिस्टेमा मानसूनी इसको कहा जाता है ब्लड फ्लूक, यही से तो क्वेश्चन आते हैं गाइस, इसको नोट करिएगा। इसका एग्जांपल देखिए टीनिया सोलियम जिसे क्या कहते हैं, पार्क टेप वर्म कहते हैं गाइस, टीनिया सोलियम को पार्क टेप वर्म कहते हैं। और टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सेजिनेटा को बीफ टेप वर्म कहते हैं, बीफ टेप वर्म कहते हैं। और यहाँ पर और भी है गाइज, ये तो और भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कौन सा है जो इम्पोर्टेंस है, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट कौन सा है, यहाँ इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस जिसे डॉग टेप वर्म कहते हैं गाइज, इम्पोर्टेंट इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस डॉग टेप वर्म। और स्मॉलेस्ट भी है, और हाइमेनोलेप्सी, हाइमेनोलेपिस, हाइमेनोलेपिस इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट टेप वर्म इन मैन इंटेस्टाइन, ठीक है, मानव की आंत का सबसे छोटा टेप वर्म, मानव की आंत का, ठीक है, हाइमेनोलेप्सी लेपिस। अब यहां पर आगे चलते हैं, इसको देखते हैं गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको थोड़ा सा, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो उसको भी देखिए, और खास बात क्या है इसमें, खास बात है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें मेनली सेक्सुअल होता है, कैसा होता है, मेनली सेक्सुअल होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें गाइस, ठीक है, मेनली कैसा होता है, सेक्सुअल होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और बात इसमें यह है कि सेक्सुअल में भी मैंने बताया कि बाईसेक्सुअल होता है, अर्थात कह दीजिए अथवा हर्माफ्रोडाइट होता है, या इसी को कह दीजिए आप मोनोइसियस होता है, ठीक है, मोनोइसियस कंडीशन। एक्सेप्शन थोड़ा सा है यहाँ पर, एक्सेप्शन क्या है गाइज, इन डाइकोसिस्टस, डाइकोसिस्टस यूनिसेक्सुअल होता है गाइस,
अर्थात डायोइसियस होता है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो अपवाद होते हैं वही तो पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी अपवाद ही है पूरी एक तरीके से, समझ रहे गाइस। तो अपवाद को जरूर आप ध्यान रखें। यहाँ कंडीशन एक प्रोटेंड्रस कंडीशन मिलती है। प्रोटेंड्रस का मतलब है कि इसमें मेल सिस्टम डेवलप फर्स्टली, यानी मेल सिस्टम पहले डेवलप होता है, फीमेल सिस्टम बाद में डेवलप होता है। थोड़ा इससे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स है गाइस, इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, आप देख लीजिए बिल्कुल, जो टेप और मका स्ट्रक्चर है, इसमें ढेर सारे इसमें टेस्टिस होते हैं, ये यूट्रस है, बाकी फर्टिलाइज इग है, यहाँ पर ओवरी भी होती है, ओविडक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए विटेलाइन ग्लैंड गाइस, विटेलाइन ग्लैंड, इसको तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ विटेलाइन ग्लैंड्स भी होती है और मेहलिस ग्लैंड होती है, मेहलिस ग्लैंड विटेलाइन ग्लैंड, और यहाँ एक ऊ टाइप, इसको भी ध्यान रखिएगा गाइस, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। कामन गोनोपोर होता है, कामन गोनोपोर यहाँ से खुलता है वेजाइना में, और यहाँ पर उपस्थित होता है, पेनिस भी होता है गाइस, पेनिस और वास डिफरेंस भी होता है यहाँ से, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, या और देखिए जरा यहाँ इस इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका देखिए, जो विटेलाइन एंड मेहलिस ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती है, दो जो है विटेलाइन और मेहलिस ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती है, और इसमें डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेज, डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, लार्वल स्टेज के थ्रू होता है। अब यहाँ पर देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी हाईलाइटेड मैंने कर रखा है, लार्वल स्टेज, एक तो ऑंकोस्फियर, दूसरा सिस्टी सर्कस, ठीक है, ऑंकोस्फियर सिस्टी सर्कस, ऑंकोस्फियर अथवा हेक्साकैंथ गाइज, ऑंकोस्फियर अथवा हेक्साकैंथ, हेक्साकैंथ विथ सिक्स हुक, छह हुक के साथ होता है ये, और ये इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ पिग होता है गाइज, इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ पिग, और जो सिस्टी सर्कस अथवा इसी को ब्लैडर वर्म आर्म कहते हैं, ब्लैडर वर्म, ठीक है, सिस्टी सर्कस अथवा ब्लैडर वर्म इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ मैन होता है गाइज, और इसके द्वारा डिजीज क्या होता है गाइज, मैं आपको बता दूं, सिस्टी सर्कोसिस, देख लीजिए सिस्टी सर्कोसिस डिजीज, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटी हेलमिंथ ड्रग, एंटी हेलमिंथ ड्रग जो है इसका जो है ट्रीटमेंट है गाइज, ट्रीटमेंट है इसका। अब चलते हैं हम बात करते हैं गाइज बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन की, तो चलिए प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन देखिए ये अब होने वाला है गाइज प्रैक्टिस सेशन, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन में। पहला क्वेश्चन क्या है इसको भी आप देख लीजिए गाइज, ठीक है, हमारे साथ हर दिन इसी तरीके से आप जुड़ते रहेंगे गाइज, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे नीट हो, चाहे जो भी हो गाइज, और जैसे ही हम कोई जो है फाइलम अभी लेकर के आ रहे हैं, आप देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे उसी लेक्चर से आपको मिल जाते हैं। और मैं आपको बता दूं गाइज हमारा ये लेक्चर कितनी देरी का हुआ, लगभग 16-17 मिनट का हुआ अभी, मैं आपको बता दूं तो इतने कम समय में पूरा का पूरा फाइलम आपको मैंने फिनिश किया, और मेरा ये काम नहीं होता, तीन चार घंटे मैं आपको झिलाता रहूं, एक दिन ये लेके आऊं, एक दिन वो लेके आऊं। तो चलिए एक बार सभी लोग, जितने लोग लाइक नहीं किए, एक बार इस सेशन को तेज़ी से लाइक कर दीजिए गाइज, और थोड़ा सा एक बार वीडियो को थोड़ा सा और शेयर करिए तो मज़ा आ जाए। एक बात और मैं आपको बता दूं गाइज, अगर सभी लोगों को मैंने देखा PDF लेने की लालसा होती है, तो ठीक है मैं आपको लोगों को PDF भी दूंगा, लेकिन मैं इसी तरीके से कहता हूं ना, जो हमारे वीडियो को देखेगा, जो हमारे साथ लाइव हर दिन 9 बजे जुड़ेगा, PDF उन्हीं के लिए स्पेशल होगा गाइस। तो चलिए, हर PDF तो सबको नहीं मिलती, आज मैं आपको PDF दूंगा, उसका कोड क्या है गाइस मैं आपको बताता हूँ, और कब मैं प्रदान करूंगा, जैसे अभी 9 बजे से, मैं 10 बजे से 11 बजे के बीच शाम में, अभी 10 से 11, या कह दीजिए कभी ये सेशन समाप्त होगा तो इसके बाद 11 बजे तक, केवल 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास, उस 1.5 घंटे के अंदर अगर हमारे पास कमेंट आपका मिल जाएगा, जो मैं अभी कोड आपको देने वाला हूँ, वो कमेंट मिल जाएगा तो मैं आपको उस PDF प्रदान कर दूंगा, अगर कमेंट नहीं आएगा हमारे पास तो PDF नहीं मिलेगा। देखिए आज का जो PDF का मैं आपको कोड बता दूं आपको, कि आज का कोड क्या है हमारा, P10 गाइस, ये आज हमारा का कोड है P10, ठीक है, अगर आप P10 कमेंट करते हैं हमारे इस नंबर पर, आप सभी लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, 9219085222, ठीक है, ये हमारा WhatsApp नंबर है गाइस, WhatsApp नंबर है, तो इस WhatsApp पर कॉल नहीं हो सकती है, बट मैसेज हो सकता है, इस पर आपको यही P10 गाइस, क्या कोड है आज का, P10 है कोड, और इस कोड को अगर आप जो है कमेंट कर देंगे हमारे इस WhatsApp नंबर पर सेंड करेंगे, तो मैं आपको आज की इस लेक्चर को PDF प्रदान कर दूंगा गाइस। अगर जो लोग नहीं जुड़े हमारे इस WhatsApp ग्रुप से, जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले नाम और अपना पता हमारे इस पर भेजना होगा, और उसमें ज्वाइन बायोलॉजी ग्रुप करके लिखना होगा, तो हम आपको लिंक शेयर करते हैं, फिर आप जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का ये कोड है PDF पाने के लिए, तो बिल्कुल 11 बजे के पहले पहले जब आप कर लेंगे गाइज, 11 P
PM, ठीक है। अभी लेक्चर समाप्त होने के बाद 11 बजे पहले तक अगर हमको ये कोड मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पे, तभी आपको PDF मिल पाएगी गाइज, अन्यथा की स्थिति में नहीं, बाद में, क्योंकि मैं आपको कहा हूँ जो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे बस उन्हीं के साथ हम ऐसा बर्ताव करेंगे, उन्हीं को ज़्यादा हम बताने वाले हैं सब कुछ, बहुत सारी बातें, लेकिन आपको हमारे साथ हर दिन जुड़ना पड़ेगा इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज, इसकी तरफ रुक करते हैं। द डिजीज इन मैन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर वर्म, ब्लैडर वर्म इज नोन एज, कह रहा है ब्लैडर वर्म के संक्रमण के द्वारा मनुष्य में जो रोग होता है, यानी ब्लैडर वर्म के संक्रमण के कारण मनुष्य में जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है गाइज, कह रहा है सिस्टोस्मियासिस, कह रहा है टीनियासिस, कह रहा है इंटोरोबियासिस, कह रहा है सिस्टिसर्कोसिस, सिस्टिसर्कोसिस। इसका जवाब क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ चार ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, तो इसमें सही जवाब क्या होगा गाइज, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सिस्टोसर्कोसिस, ठीक है गाइज, क्या है सिस्टिसर्कोसिस इसका सही जवाब है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, कई उत्तर आप मैं देख रहा हूं कि कई उत्तर आप नेट पे सर्च करेंगे ना, नेट पे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत मिलते भी हैं गाइज, आप किताबों को पढ़िए, किताबों को एकदम कंटिन्यू पढ़िए, तब आपके जो है क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन मैं आपको जो दे रहा हूं गाइज, देखिए मैं आपको बता दूं, जब कभी भी मैटर फंसता है तो जो है आयोग के द्वारा प्रूफ मांगा जाता है, प्रूफ कोई ऑथेंटिक बुक हो, ऑथेंटिक राइटर वाली बुक हो, उसी को मान्य होता है, उसी को माना जाता है, इंटरनेट को नहीं माना जाता गाइज, ठीक है। इसलिए अगला देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, ट्रीमेटोड्स आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज, कह रहा है ट्रीमेटोड को किस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, कह रहा है ब्लड फ्लू के रूप में, वर्म्स के रूप में, फ्लैट वर्म्स के रूप में, ठीक है, किसको ट्रीमेटोड्स को कहा गया है, कह रहा है फ्लू के रूप में। गाइज अभी हमारे लेक्चर में आपने देखा तो इसका सही जवाब क्या है, फ्लूक्स है गाइज, अभी आप बैक होकर के आप देख सकते हैं, थ्योरी क्लास में मैंने ट्रीमेटोड्स को बताया है, कॉमनली कॉल्ड क्या, फ्लूक्स गाइज, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, देखिए तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है कह रहा है रीजनरेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, रीजनरेशन, ठीक है, फिर से जो है बन जाना, रीजनरेशन का सबसे अच्छा वर्णन किसके साथ आप कर सकते हैं, कौन सा है सबसे रीजनरेशन का सबसे बेस्ट डिस्क्राइब्ड, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, कह रहा है रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट, जो अनचाहा भाग है उसको हटा देना, नहीं गाइस ये नहीं होगा, कह रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ लास्ट पार्ट, जो खोया हुआ भाग उसको हटा देना, नहीं, डीफॉर्मेशन ऑफ लास्ट पार्ट, नहीं, कह रहा है रीहीलिंग ऑफ अ वाउंड, घाव को फिर से भर देना, जी बिल्कुल यही है रीजनरेशन ऑफ बेस्ट डिस्क्राइबेशन, ठीक है गाइस, जैसे कहीं घाव हो गया फिर से वो भर जाता है तो ये क्या है, ये है रीजनरेशन, फिर से बन जाना, जैसे छिपकली की पूछ कट जाती है फिर से वो बन जाती है गाइस, ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या है, डी नंबर। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्पाइन्स आर सीन इन द क्यूटकिल ऑफ, स्पाइन किसकी क्यूटकिल में देखा जाता है, कह रहा है प्लेनेरिया में, कह रहा है इकाइनोकोकस में, कह रहा है टीनिया में, कह रहा है फैसियोला में, तो बताइए किसके क्यूटकिल में स्पाइन्स देखने को मिलता है, उसी के साथ ये अटैच हो जाता है गाइस, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है फैसियोला गाइस, क्या है फैसियोला इसका सही जवाब है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर 5 का नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, देखिए फटाफट के अंदाज में गाइज बताइए 5 का आंसर क्या होगा, कह रहा है इन प्लेटीहेलमिंथीज विटेलेनियम इज जनरली फाउंड इन एसोसिएशन विथ, गाइज इन प्लेटीहेलमिंथीज विटेलेरियम इज जनरली फाउंड इन एसोसिएशन विथ, गाइज अब इसका सही जवाब क्या है, किसके साथ होता है जनरली, ठीक है, प्लेटीहेलमिंथीज में कह रहा ओवरी के साथ, कह रहा टेस्टिस के साथ, कह रहा बोथ ओवरी एंड टेस्टिस, कह रहा सेल ग्लैंड्स, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ओवरी गाइज, इसका सही जवाब है ओवरी, ए नंबर इसका राइट आंसर है। अगला कह रहा है फ्लैट वर्म्स आर करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, फ्लैट वर्म जो होते हैं किसके कारण इसका मुख्य करेक्टर है जो जाना जाता है फ्लैट वर्म, कह रहा है
कि प्रोटोनेफ्रीडिया अथवा फ्लेम सेल्स करा रिनेट सेल्स, नेफ्रीडिया करा कैनाल्स। तो गाइस ये कैनाल्स और रिनेट सेल नहीं, नेफ्रीडिया भी नहीं, तो इसका सही जवाब है प्रोटोनेफ्रीडिया अथवा फ्लेम सेल्स इसका मुख्य करेक्टरिस्ट है। अभी मैंने बताया अपने लेक्चर में बताया गाइस, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ए नंबर। अब सात नंबर को देखिए, कह रहा ए डाइजेस्टिव सिस्टम इज अब्सेंट इन, डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें अब्सेंट होता है गाइस, ये बताना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें अब्सेंट होता है। कह रहा है यहां पर टर्बुलेरिया में, स्केरिस में, कि सिस्टो सोमा में, कि कह रहा टीनिया में। अभी मैंने बताया था आप जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तभी मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें एब्सेंट होता है, सिस्टोडा में, सिस्टोटा में, कौन है टीनिया। इसका सही जवाब क्या है, सी नंबर गाइस, सी नंबर इसका राइट आंसर है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। आठ नंबर की तरफ अगर बढ़े, आठ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्पोरोसिस्ट इज फाउंड इन, स्पोरोसिस्ट किसमें पाया जाता है गाइस, कह रहा है स्पंज में कि हाइड्रा में। ये स्पोरोसिस्ट लार्वा है गाइस, स्पोरोसिस्ट क्या है, लार्वा। मैंने आपको बताया था जो हमारे लेक्चर हमेशा देखते रहते हैं, मिस आरसी मल्होत्रा गाइस, मैंने आपको बताया था मिरासीडियम स्पोरोसिस्ट और रेडिया सर्केरिया मेटा सर्केरिया गाइस, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ स्पोरोसिस्ट कह रहा है, स्पोरोसिस्ट गाइस, स्पोरोसिस्ट लार्वा किसमें पाया जाता है, तो पाया जाता है फैसियोला में गाइस, किसमें पाया जाता है फैसियोला में। तो बी इसका सही जवाब है, आठ का बी नंबर। नौ की तरफ बढ़ते हैं कि नौ नंबर क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। नौ नंबर देखिए, नौ नंबर में कह रहा है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन लाइकली टू आकर इन, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन किसमें होता है, किसमें पाया जाता है गाइस, बताइए किसमें पाया जाता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। कह रहा है अर्थवर्म, टेपवर्म, कह रहा है इकाइनोडर्म्स, कह रहा है फ्लैटवर्म। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन करने वाली स्थिति आ गई, आप सोचेंगे टेपवर्म है, अभी नहीं, मैं आपको बता दूं सभी जो है टेपवर्म किसके अंतर्गत आते हैं, फ्लैटवर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, फ्लैटवर्म गाइस इसका सही जवाब है, मैं आपको बता दूं। नौ का कौन सा नंबर है, सी नंबर, इसे आप एक बार देखिएगा ऑथेंटिक बुक कोटपाल की, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं दस नंबर का क्वेश्चन देखिए, दस नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखिए, कह रहा है लीवर फ्लूक बिलोंग्स टू क्लास, लीवर फ्लूक जो है किस क्लास से बिलोंग करता है, कह रहा है ट्रीमेटोडा से, निमेटोडा से, सिस्टोडा से, टर्बुलेरिया, बताइए लीवर फ्लूक किससे बिलोंग करता है गाइस। लीवर फ्लूक मैंने अभी आपको बताया था जिसमें फ्लूक आता है, एक टर्बुलेरिया था, एक ट्रीमेटोडा था और एक सिस्टोडा था, तो इसमें टीनिया उनिया था गाइस, और इसे क्या कहते हैं, इसे जो है चपटा कृमि कहते हैं। ये इसका सही जवाब क्या होगा, लीवर फ्लूक किसे कहते हैं, लीवर फ्लूक आता है ट्रीमेटोडा, ए इसका सही जवाब है गाइस, दस का ए नंबर, दस का ए नंबर। अब 11 की तरफ देखिए जरा, कह रहा है सर्केरिया इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल, आप सही, सर्केरिया किसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है गाइस, फिर से वही आ गया क्वेश्चन, कह रहा है टीनिया के, स्केरिस के, फैसियोला के, प्लेनेरिया के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सर्केरिया किसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है, ये होता है फैसियोला के लाइफ साइकिल में सर्केरिया होता है। तो 11 का क्या हो गया, बी नंबर। 12 में चलते हैं गाइस, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन को चलिए इसको पैकेट में बंद कर देते हैं, तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, थोड़ा इधर उधर भाग रहा माइंड, तो आप अलग हो जाएगा। 12 नंबर को देखिए, इसी को पढ़िए, पैरासिटिक एनिमल हैव वेल डेवलप्ड, पैरासिटिक एनिमल में क्या वेल डेवलप होता है, कह रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम, कि कह रहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा गाइस, 12 नंबर का इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका सही जवाब है, बी नंबर। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर का, 13 नंबर का प्रश्न देखिए गाइस, कह रहा है कॉमन फीचर एमंग टेपवर्म, लीवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया, गाइस तीनों का कह रहा है प्लेनेरिया और टेपवर्म और लीवर फ्लूक, इन तीनों का कह रहा है कॉमन फीचर क्या है इनमें से, कह रहा है सेगमेंटेड होते हैं ये, कह रहा है सीलोमेट्स होते हैं, कह रहा है कि फाउंड नाइट रात में पाए जाते हैं, कह रहा है फ्लैट, तो जो बिल्कुल इसका नाम ही है प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेट लाइक अर्थात फ्लैट मतलब चपटा, चपटे क्रीमी कहा जाता है। तो 13 का जो सही जवाब है वो क्या हो गया गाइस, तो फ्लैट, ठीक है, इसका सभी में कॉमन है फ्लैट, चपटे क्रीमी है। चलते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं गाइस, 14 नंबर का क्वेश्चन उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जरा 14, अरे ये कौन, हाँ 14 नंबर का क्वेश्चन ये रहा भी,
14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इकाइनोकोकस जनरली नोन एज, इकाइनोकोकस जनरली क्या कहलाता है, अभी हमारे लेक्चर में आपने देखा गाइस जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया उसमें आपको देखने को मिला, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इकाइनोकोकस जनरली नोन एज, बताइए, कह रहा है पिग टेपवर्म, मैन टेपवर्म, शीप टेपवर्म, कह रहा है डॉग टेपवर्म, तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, तो इसका राइट आंसर है डॉग टेपवर्म, ठीक है, डॉग टेपवर्म अभी अभी हमने अपने इस लेक्चर में बताया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ये देखिए आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहां पर कि इंटेस्टाइनल फ्लूक इज, इंटेस्टाइनल फ्लूक क्या है गाइस, इसमें इंटेस्टाइनल फ्लूक क्या है, कह रहा फैसियोला हेपेटिका, फैसियोला जिजेंटिका, ये तो लिवर फ्लूक है ना गाइस, फैसियोला, कह रहा है फैसियोला बस्की, करा आल, तो इसका सही जवाब क्या है, इंटेस्टाइनल फ्लूक, तो इसका सही जवाब है फैसियोला बस्की, ठीक है, बुस्की या बस्की जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करिए गाइस। अब यहां पर 15 हो गया, 16 नंबर पर चलते हैं, 16 नंबर का ऑप्शन क्या है, कह रहा है पराजियम इन्फेक्टेड टू, किसको इन्फेक्ट करता है, कह रहा है लीवर को, कह रहा हार्ट को, कि ब्रेन को, कि लंग्स को, तो इसका सही जवाब 16 नंबर का है गाइस, लंग्स को, किसको, लंग्स को, 16 का क्या हो गया गाइस, सी नंबर, 17 में देखिए करा है हु आज सजेस्टेड द नेम प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज नाम किसने सजेस्ट किया था हमारे लेक्चर में, पहले भी दूसरा पॉइंट मैंने बताया, कह रहा रॉबर्ट ग्रांट नहीं, कह रहा ल्यूकॉट नहीं, वान सीबोल्ट, कह रहा नहीं, तो क्या होगा, गेगनबॉर गाइस, सी नंबर इसका राइट आंसर है, गेगनबॉर, ठीक है, इन्होंने सजेस्ट किया था। अब अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैट वर्म इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है इसका क्लासिफिकेशन, प्लेटी हेलमिंथीज का अर्थात फ्लैट वर्म का किस पर आधारित है ये पूछ रहा है, कह रहा है मोड ऑफ लाइफ, प्रेजेंस ऑफ गट, कह रहा है बॉडी कवरेज, कह रहा है ऑल अबव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पर, कि 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं गाइस, 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहां पर देख लीजिए, यहाँ होना चाहिए सीडोमेटामेरिज में, ठीक है, सीडोमेटामेरिज इज फाउंड इन, सीडोमेटामेरिज किस में पाया जाता है, तो कह रहा है फैसियोला में, कि प्लेनेरिया में, कि टीनिया में, कि स्केरिस में, इसका जवाब बताइएगा इस, सीडोमेटामेरिज किस में पाया जाता है, यहाँ 19 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसमें होता है टीनिया, इसका राइट आंसर है गाइस, टीनिया इसका सही जवाब है, 19 का कौन सा हो गया गाइस, 19 का हो गया बी नंबर। चलते हैं 20 की तरफ, कह रहा है आई आर प्रेजेंट इन, आई किसमें प्रेजेंट होती है, कह रहा है डुजेसिया में, कह रहा है फैसियोला में, कह रहा है टीनिया में, कह रहा है आल ऑफ ऑल अबव, सभी में, तो बताइए 20 का सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब है किसमें आई प्रेजेंट होती है, देख लीजिए, तो आई प्रेजेंट होती है डुजेसिया में, किसमें डुजेसिया में आई प्रेजेंट होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम बढ़ते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 21 नंबर में, 21 नंबर स्मॉलेस्ट ऑफ ह्यूमन टेपवर्म, ह्यूमन टेपवर्म में स्मॉलेस्ट कौन है गाइस, बताइए 21 नंबर का सही जवाब क्या है, इसको हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका जो सही जवाब है वो क्या है, हर दिन की तरह आज भी कमेंट करके आप बताइए। चलते हैं 22 नंबर की तरफ बात करते हैं, 22 नंबर में कह रहा है सकर अब्सेंट इन, सकर किसमें अब्सेंट होता है गाइस, सकर किसमें अब्सेंट होता है ये बताना है 22 नंबर के क्वेश्चन में, कह रहा है टर्बुलेरिया में, कह रहा है ट्रिमेटोडा, आल सिस्टोडा, तो सकर अभी मैंने क्लासिफिकेशन जब बता रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कौन है टर्बुलेरिया, इसमें सकर क्या हो जाते हैं अब्सेंट होते हैं गाइस, 22 का क्या हो गया ए नंबर। अब 23 नंबर कह रहा है लाइकोफोरिज, लाइकोफोर कह रहा है लाइकोफोर क्या है, कह रहा है इंडो पैरासाइट है, कि पैरासाइट ऑफ फिश, कह रहा है लार्वा ऑफ सिस्टोडेरियन, कह रहा है पैरासाइट ऑफ मैन, तो बताइए लाइकोफोर इज, लाइकोफोर क्या है गाइस, इसका सही जवाब है लार्वा ऑफ सिस्टोडेरियन, लार्वा ऑफ सिस्टोडेरियन इसका सही जवाब है बी नंबर। 23 का कौन सा हो गया गाइस, बी नंबर हो गया। 24 की बात करें, 24 नंबर में तो देख लीजिए 24 और 25 नंबर में क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं, 24 और 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर में, यहां देखिए जरा अपिस्थप्टर, अपिस्थप्टर इज अ क्या है, अपिस्थप्टर एक क्या है, कह रहा है इंटीरियर सकर है, पोस्टीरियर सकर, स्पाइन की हुक,
बताइए क्या है भाई 24 नंबर का क्वेश्चन में, ठीक है, किस प्रकार का शकर है? कह रहा है एंटीरियर शकर, पोस्टीरियर शकर, हुक और स्पाइन। तो इसका सही जवाब है पोस्टीरियर शकर, इसका सही जवाब है पोस्टीरियर शकर, इसका राइट आंसर है 24 का। 25 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है यहाँ पॉलीस्टोमम, पॉलीस्टोमम इज इंडोपैरासाइट ऑफ, पॉलीस्टोमम किसका इंडोपैरासाइट है? कह रहा है फ्रॉग का है, टोड का है, कि फिश का है, कि याल का? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा भाई, कमेंट करिए जबरदस्त कमेंट के साथ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है गाइस, आल इसका राइट आंसर है। तो गाइस हम आपको बता दें, आप सबके लिए इसी तरीके से हम हर दिन 9 बजे शाम को लेक्चर लाते रहते हैं, तो बिल्कुल जो है आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको बताया कि 9219005022। गाइज इस व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करेंगे, नाम और पता भेजेंगे अपना, तो यहाँ से लिंक हम शेयर करते हैं, वहाँ से आप अटैच हो सकते हैं। आज के PDF पाने के लिए मैंने आपको कोड जो बताया गाइज P10, इस कोड को आप हमारे इस व्हाट्सएप पर आप सेंड कर सकते हैं, तो 11 बजे के पहले पहले जितने लोगों का आ जाएगा ये बिल्कुल कोड हमारे इस व्हाट्सएप पर, उन्हें हम ये PDF प्रदान कर देंगे गाइज। तो चलिए गाइज आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नए लेक्चर नए दिन। चलिए आज के हमारे आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन, ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।